गीत बजाओ। आदरणीय भैया संतोष जी, जय हो। के कोई सजा दे, छेड़ोगे उतना ही मजा आएगा। हाँ, अरे बेस बढ़ा भैया, ये कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है। भैया आप अभी वीडियो ना बनाएगा, ठीक है, जब तक सेटिंग ना हो जाए सब दिक्कत हो जाता है, बिल्कुल ना बनाइएगा। चलेगा सबसे पहला गीत है आदरणीय भैया संतोष जी, भैया जी जिस समय प्रभु हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो रास्ते में देखिए रामायण सभी लोग पढ़ते हैं, हमारे भाई लोग सभी पढ़ते हैं, और सभी को मालूम है उड़ते चले जा रहे हैं, और जब पहुंचे
समुद्र के ऊपर, तो वहां कौन था? सुरसा। आप लोगों ने चौपाई पढ़ी होगी, सुरसा नाम अहन की माता। तो कहने लगी सुरसा के देवों ने मुझे दिया है भोजन, मुझे आज देवताओं ने आहार दे दिया, भोजन दे दिया। देवों ने मुझे दिया है भोजन, तो सुरसा फूली नहीं समाई। बड़ी खुश हुई सुरसा, और जब बड़ी खुश हुई तो हनुमान जी कहने लगे, माता राम काज करी, के राम काज करी, अरे फिर मैं आऊं, सत्य कहूं मोहि जान दे माई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। सुरसा ने कह दिया, नहीं मुझे बड़े दिनों के बाद तो भोजन मिला है, तुम कहते हो राम काज मैं करके वापस आऊंगा, अरे मुझे क्या पता तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो रास्ता रोके सन्मुख है सुरसा खड़ी, हनुमान जी को नहीं जाने दे रही है। रास्ता रोके सन्मुख है सुरसा, हनुमान जी कहने लगे के सोचते हैं पवन सुत समस्या, सोचते हैं पवन सुत समस्या बने। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई, एक दूसरा अपना मुंह फैलाने लगी सुरसा के माता सुरसा बदन को बढ़ाती चली, माता सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और तास दून कपी रूप दिखावा। अगर एक योजन का सुरसा ने किया तो दो योजन हनुमान जी इस प्रकार से दूने होते चले गए। बजरंग बली सोचने लगे, बड़ा गड़बड़ माल मामला फंस गया, कबीर बजरंग तैयार हो जाए, हो पीर बजरंग तैयार हो जाए, जितना मुख का हो, जितना मुख का, जितना मुख का विस्तार हो जाए। तो संतोष भैया दूना कपी का आकार हो जाए, दूना कपी का आकार हो जाए, दूना कपी का आकार हो जाए। जस्ट दुगना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी आगे बढ़े, इस समस्या से छुटकारा मिली, उन्हें आगे चल दिए। तो लंका में प्रभु लंका में तो आ गया हूं, लेकिन
मंदिर मंदिर। भैया जी सिर्फ लाइनों पर आपको विशेष ध्यान देना। लंका में प्रभु डंका बजाने, हनुमत ने क्या चाल चली। और मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, मंदिर मंदिर पर घूमे हनुमान जी महाराज। और योद्धा देखे वहां बजरंग बली, चारों तरफ निरीक्षण करते घूम रहे हैं। हाँ हाँ। रूप छोटे से छोटा जितना छोटा बना सके। रामायण में भी लिखा है कि अति लघु रूप पवन सुत लीना, लीना। कि रूप छोटे से छोटा बनाया कहीं, पर हनुमत का छोटा रूप बनाया लेकिन वहां रूप छोटे से छोटा बनाया कहीं। और हमारे हनुमत का कोई भी पाया नहीं, सुमर कर नर हरि आज लंका चले। लंका चले तो कभी का ऐसा विचार हो जाए। सोचा हनुमान जी ने, सब जगह देख रहे हैं आखिर क्या कहाँ है, कहाँ मैया है, माता सीता को देख रहे हैं। और फिर उनके मन में एक विचार आया कि कपि का ऐसा विचार हो जाए। एक रामायण की चौपाई भी आप लोगों ने पढ़ी होगी रामचरितमानस में, कि सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा। तो कपि का ऐसा विचार हो जाए के मसक जैसा, ओ मसक जैसा, मसक जैसा आकार हो जाए, कपि का ऐसा विचार हो जाए, कपि का ऐसा विचार हो जाए, कपि का ऐसा विचार हो जाए। अंतिम पंक्ति है और चलिएगा आगे। आखिर हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे? जय हो। के जनक नंदिनी बहुत विकल थी, और जनक के वंदिनी माँ व्याकुल थी। वहां देखा मैया बहुत व्याकुल है, प्रभु श्री राम के विरह में बहुत व्याकुल है माता। बहुत बढ़िया। और आखिर वो क्या कर रही थी? हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे देख रहे थे माता। आगे मांगती, आगे मांगती थी अशोक से, कपि देखा वो देखा। बता इस अशोक वृक्ष से कह रही है, अरे ये कोई आग का अंगारा मेरे ऊपर गिर जाए और मैं भस्म हो जाऊं। इस प्रकार की व्याकुलता देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ।
से नीचे कूदे जय श्री राम कह करके माता ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। माता का आधा दुख भाग गया। अरे ये कौन है, ये तो कोई भक्त आ गया। तो राक्षस है बड़े, तुम हो छोटे अभी। मैया कहने लगी, हनुमान बोले, माता मैं, अरे तुम कहाँ से आए? बोले मैया कुछ नहीं, सिर्फ मुझे भूख लगी है। बोले भूख तो लगी है, लेकिन तुम बहुत छोटे और राक्षस बहुत विशाल है, आखिर कैसे हो सकता है? तो कहने लगे, बस कुछ नहीं, प्रभु राम नाम का अगर संचार हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, तो कितने भी बड़े और राक्षस मुझे कोई डर नहीं है। चार हो जाए प्रभु कृपा का संचार हो जाए, तो तन का भूधर हो, तन का भूधर आकार हो जाए। रामायण में कनक भूधर आकार शरीरा, प्रभु कृपा का संचार हो जाए, प्रभु कृपा का संचार हो जाए, प्रभु कृपा का संचार हो जाए, तो तन का भूधर हो, तन का भूधर आकार हो जाए, क्या बात है। दीप कहने से ये नहीं जलता है, ये दीप कहने से नहीं जलता है, ये फूल कहने से नहीं खिलता है। प्यार को रो रो के मांगने वालों, क्या बात है, प्यार मांगे से नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। सुने आप, अर्क कोई सजा दे, तेरे नले हम
ले गले से लगा ले मुझे तू जो हंस दे तू जो चढ़ गए। बहुत अच्छी बात। अच्छा प्रयास। जितना मुखता विस्तार हो जाए तू न कपि का आकार हो जाए ये दे बोले मुझे दिया है भोजन सुरसा फूली नहीं समाए आपका गीत कह रहा है रात तारों के सन्मुख हुई सुरसा खड़ी सोचे है पवन सुत समस्या बड़ी वैसे हनुमान जी के लिए सुरसा कोई समस्या नहीं बनी सोचे है ये पवन सुत समस्या बड़ी माता सुरसा बदन को वीर बजरंग तैयार हो जाए सही बात जितना मुख था विस्तार हो जाए तू न कपिका अगले बहन विद्या जी सुने आप सुनाए आपके गीत में एक विशेष बात निकली आपका गीत केवल तीन रूपों से संबोधित कर रहा है आपके गीत की विशेषता पाई गई
आपने तीन रूपों में छोटा बड़ा, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास है। सुने आप गबत बड़े गबत बोलते सुने आप। प्रयास है अपनी तरफ से। सुने आप। हेलो, किस तरह है आपके गीत में बात निकल करके आ रही है कि हल्लाएं चौपाई से संबोधित कर रहे हैं अपनी भी तरफ। हेलो, प्रयास है। हेलो, थोड़ी यार आवाज ही नहीं आती। हेलो, अपनी भी तरफ से उसी तरह ठीक प्रयास है। सुने बेटा बिल्कुल। मंदिर मंदिर प्रती कर दो देखे चहते अग्नित योधा। सुने आप कि मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा देखे चहते हैं अग्नित योधा। अग्नित योधा अग्नित योधा रैन आधी ढली कपी घूमे लगल। जब आधी रात ढल गई और आधी रात ढलने के बाद हनुमान जी ने लंका में भ्रमण चालू कर दिया। घूमने लगे। जब घूमने लगे तो कहना पड़ा या। सुने आप। जब घूमने लगे तो कहना पड़ा हनुमान जी ने वहां ना ही तो छोटा रूप बनाया और ना बड़ा किया, मध्य रूप धारण किया। जब किया तो हुआ क्या? ध्यान क्या बात है आदरणीय विद्या जी, क्या हुआ? किरण आधी ढली कपि घूमे लगल रूप बदला कपिले जो डाली नजर। रूप बदला कपिले जो डाली नजर। क्या बात बेटा क्या बात है। ग्रंथों पे विचार हो जाए जियो जियो सपना साकार हो जाए। कपि कपिली हो कपि कपिली कपि कपिली आकार हो जाए। कपि कपिली आकार हो कपि कपिली भ्रमण किया। क्या बात है। दूसरी बात सुने आप। बबड़िया क्या बात है। पावक जरत देखे हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता। पावक जरत देखे हनुमंता। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। कौन सी बेटा? पावक जरत देख हनुमंता। आग जलते हुए देखी हनुमान जी ने। क्या बात है। पावक जरत देख हनुमंता और भय परम लघु रूप तुरंता। छोटा रूप धारण किया हनुमान जी ने। अब देखिए यहाँ एक विशेष बात। हनुमान जी ने एक ही जगह दो रूप धारण कर लिए। क्या बात है। एक छोटा और एक बड़ा। क्या बात हुआ। क्या क्या बात। क्यों
देखे हनुमंता भरयु भयउ परम लघु रूप मंदिर मंदिर में आगी लगाई वहां मंदिर मंदिर में आगी लगाई वहां लंका में हाहाकार हो जाए विकट कपिका विकट कपिका विकट हनुमान जी महाराज ने बड़ा रूप कर लिया विकट कपि का आकार हो जाए विकट कपि का आकार हो इसमें भी आप रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक चौपाई इसमें भी लिखी है सुने आप क्या चौपाई सूक्ष्म रूप धर सूक्ष्म रूप धर सिय ढंग आबा सिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम बलि मद में थे छाए मुझे कपि हनुमान जी बाबा ने अलग अलग रूप दिखाए हैं सुने आप भीम बलि मद में थे छाए मुझे कपि जब बो दिया है दिखा ज्ञान का जब उद्गार हो जाए प्राट कपिता प्राट कपिता